जनता के दिल से सांसद केपी यादव धन्यवाद मुक्ति दिला दी शिवपुरी को सीएमओ श्राप से। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, ये तर्क आज शिवपुरी में हुए सीएम शिवराज के कार्यक्रम के दौरान सिद्ध होता नजर आया। अगर शिवपुरी के सीएमओ को मैं सस्पेंड करता हूँ तो यहाँ के नगर पालिका के बारे में जरूर आप विचार करें कि वहाँ पर कौन भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं। शिवपुरी की जनता जनार्दन सबसे ज्यादा दुखी थी जब शिवपुरी की नगर पालिका का गठन हुआ। तब से लेकर आज दिनांक तक शिवपुरी की नगर पालिका प्रशासन और शिवपुरी के पार्षदों के बीच में ठनी हुई थी। कई बार सीएमओ शैलेश अवस्थी की खबरें, नगर पालिका में न बैठना, जनता से जुड़े हुए मुद्दों का कार्य न करना, सिर्फ कार्यालय में कमीशनखोरी को बढ़ावा देना, यहाँ तक की बात की जाए तो सीएमओ शिवपुरी को लेकर कई नगर पालिका के पार्षद भैंस के आगे बीन बजाने की बात भी कह चुके हैं एवं भैंस को सीएमओ नगर पालिका कार्यालय के बाहर भी खड़ा कर चुकी है। इसके बावजूद भी नगर पालिका सीएमओ सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। शिवपुरी कलेक्टर भी कई बार सीएमओ शिवपुरी की फटकार लगा चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी आज दिनांक तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं था। जनता, मीडिया, प्रशासन एवं पार्षद गण ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं सांसद केपी यादव का सहृदय धन्यवाद दिया है कि उन्होंने ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया। योजना का पूरी तरह से लाभ नहीं ले पा रही है और आज भी हमारी शिवपुरी प्यासी बैठी है। माननीय, मेरा आपसे आग्रह है कि जो पाइपलाइन है वो बार बार लीक हो जाती है, उसके पाइप बहुत ही खराब क्वालिटी के लगे हैं, तो आपसे आग्रह है कि अगर वो पाइपलाइन पूरी चेंज हो जाए तो इस शिवपुरी को पानी की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता, पालिका से भी काफी शिकायतें रहती है, हमेशा मिलती है, तो आजकल जो आपका सिंघम रूप देखने को मिल रहा है तो निश्चित ही मुझे लगता है आप नगर पालिका के बारे में जरूर विचार करेंगे। और यहाँ के लोगों की जो पीड़ा है, क्योंकि मैं भी यहीं का एक बालक हूँ, एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, जैसे यहाँ के लोगों ने इतना स्नेह प्यार और आशीर्वाद दिया था, तो यहाँ की नगर पालिका के बारे में जरूर आप विचार करें कि वहाँ पर कौन भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं और इनकी वजह से यहाँ की जनता परेशान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। शिवपुरी में जो कुछ गड़बड़े हुई है, काम ठीक नहीं हुए, जानकारी मुझे जनता से मिली है, उधर शिवपुरी के सीएमओ को मैं सस्पेंड करता हूँ। ये बात साफ, अच्छा काम करो, बेहतर काम करो, मामा गले लगाएगा, कंधे पे उठा के घूमेगा, लेकिन बेईमानी करने वाला कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेसी आजकल मेरी